मौलाना सैयद तासीर हुसैन जैदी सन 1291 हिजरी में सरजमीन फंदेड़ी सादात जिला मुरादाबाद सूबा उत्तर प्रदेश पर पैदा हुए। आपके वाली सैयद अशरफ अली नहायत शरीफुन नफ्स और इल्म दोस्त इंसान थे। आप बचपन ही से नहायत जहीन और जहमत कश शख्सियत के मालिक थे। इब्तदाई तालीम अपने वतन में हासिल की, असरी तालीम के लिए अमरोहा का रुख किया और हुसूल तालीम में मसरूफ हो गए। आप बहुत लगन और गौर व फिक्र के साथ किताबों को पढ़ते थे। स्कूल में सब बच्चों से मुमताज थे। इसी के पेश नज़र वजारत तालीम से आपको स्कॉलरशिप मिलती थी। सन 1891 ईस्वी में मिडिल की सनद हासिल की और उसी साल मदरसा मनसबिया मेरठ की जानिब आजिम सफर हुए। वहां रहकर जैयद असातिज़ा की खिदमत में जानुए अदब तह किए। इल्म नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, कलाम व तफसीर वगैरह में महारत हासिल कर ली थी। 18 अक्टूबर सन 1899 ईस्वी में लखनऊ का रुख किया और मदरसा नाजमिया में नजमुल मिल्लत आयतुल्ला नजमुल हसन की सरपरस्ती में मारूफ उलमाए कराम से अदबियात, फिक्र और उसूल की तालीम हासिल की। मौसूफ के लिए लखनऊ की फिजा साजगार नहीं थी, इसलिए आपने मुरादाबाद में मौलाना मुजफ्फर अली खां की खिदमत में रहकर तालीमी सिलसिले को जारी रखा। जब इम्तहान का वक्त आता तो लखनऊ पहुंचकर इम्तहान देते और अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करते थे और इस तरह तालीम मुकम्मल करके मुमताजुल अफाजिल की सनद हासिल की। फारिग तहसील होने के बाद मौलाना तासीर हुसैन ने तदरीसी सिलसिला कायम किया। मदरसा आलिया रामपुर और मदरसा नाजमिया लखनऊ में रहकर सैकड़ों शागिर्दों की तरबियत की, जिनमें से मौलाना अंसार हुसैन फंदेड़वी फाजिल मशरकियात और सदरुल मिल्लत मौलाना सैयद मोहम्मद मुजतबा नौगानवी के अस्माए गिरामी सरे फहरिस्त हैं। मौसूफ नहायत मुत्तकी, परहेजगार, नेक सीरत और मुजस्समे अखलाक थे। दुनियावी खुराफात और बेहूदगियों से बहुत दूर रहते थे। आयतुल्ला सैयद नजमुल हसन आपकी परहेजगारी के कायल थे। उन्होंने मदरसा नाजमिया के किताबखाने, बावर्ची खाने और मदरसे का पूरा हिसाब व किताब आपके जिम्मे कर दिया था। इल्मी हलके में आपका बहुत एहतराम था। जब आयतुल्ला नजमुल हसन ने अतबात आलियात की जियारत का कस्द किया तो मौसूफ को भी साथ ले जाने का इसरार किया, लिहाजा आप तामील हुक्म में आमादे सफर हुए और इराक पहुंचकर जियारत से मुशर्रफ हुए। इराक से वापसी पर नजमुल मिल्लत के हुक्म पर मदरसा आलिया रामपुर में फिक के उस्ताद मुकर्रर हुए और अपने वजीफे को बखूबी अंजाम दिया। बहुत ज्यादा मसरूफियात के बावजूद तसनीफ़ो तालीफ से वाबस्ता रहे। मौसूफ के मजामीन मजल्लात में नशर होते रहते थे। आपने अपने वतन में एक किताबखाना भी बनाया था, जिसमें कलमी किताबों के अलावा मतबूआ किताबों का भी बहुत बड़ा जखीरा था। इसमें आपके कलमी आसार मौजूद थे। मौसूफ की रहलत के बाद किताबों की हिफाजत न हो सकी, तमाम किताबें दीमक की नज़र हो गई, इसीलिए आपके पोते ने किताबें कुएं के सुपुर्द कर दी। आपने अपने वतन के शजरे का इहिया किया, जिसको उनके बेटे सैयद मजहर हुसैन ने महफूज रखा और उसी नुस्खे से उनके भाई मौलाना डॉक्टर जफर अब्बास ने सिलसिला नसब को आगे बढ़ाया। अब उसकी कॉपी बहुत से लोगों के पास मौजूद है। अल्लाह ने आपको दो बेटियां और पांच बेटे अता किए, जिनमें सैयद मजहर हुसैन, सैयद कायम रजा, एहसन रजा, हाशिम रजा और डॉक्टर मौलाना जफर अब्बास के नाम सरे फहरिस्त हैं। आपके पोतों ने कराची और सांगली महाराष्ट्र में सुकूनत इख्तियार कर ली है। आखिरकार ये इल्म अमल का दरख्शा आफ्ताब सन 1351 हिजरी बमुताबिक 1932 ईस्वी में गुरूब हो गया। उलमा, तुल्लाब, दानिश्वरान और मोमिनीन की कसीर तादाद ने तशीए जनाजा में शिरकत की और फंदेड़ी में मौजूद आपके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।